फ्रंटलाइन वैक्सीनेशन कैटेगरी 2 की शुरुआत आज यानी वीरवार को जिला करनाल में हो चुकी है। आपको बता दें कि फ्रंटलाइन कैटेगरी 2 में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, नगर निगम आयुक्त विक्रम तथा उपमंडलाधीश आयुष सिन्हा जैसे जिला के आला अधिकारियों ने गुरुवार को शहर के सिविल अस्पताल में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई है। करीब 11 बजे सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पहले से ही वैक्सीनेशन की तैयारियां थी। क्रम में पहले उपायुक्त, फिर SP, CMC और फिर SDM ने टीका लगवाया। ANM उषा ने सभी टीके लगाए। इसके बाद आधा घंटा अधिकारी ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे और डॉक्टरों के साथ गुफ्तगू करते रहे। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि COVID-19 से बचाव के लिए वैक्सीन यानी टीके लगाने का काम शुरू हो चुका है। अपनी अपनी बारी में सभी ने इस टीके को लगवाना है। उन्होंने कहा कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। टीका लगवाने के बाद मात्र 30 मिनट की ऑब्जर्वेशन रहती है, इसके लिए यहाँ अटेंड करने वाले एक्सपर्ट है। उन्होंने अन्य लोगों से अपील कर कहा कि जब तक इस बीमारी का खात्मा नहीं हो जाता, सभी को सावधानी और सुरक्षा के लिए मास्क और सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बार बार हाथ धोना भी जरूरी है ताकि बीमारी से बचा जा सके। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि COVID-19 वैक्सीन सुरक्षित है। पुलिस के तमाम कर्मचारी व अधिकारी ये टीका लगवाने के लिए आगे आए, ये जरूरी है। टीका पूरी तरह से प्रमाणित और सुरक्षा करने वाला है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि आज से फ्रंटलाइन वैक्सीनेशन कैटेगरी 2 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें पुलिस प्रशासन और म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी व कर्मचारियों को टीके लगने हैं। ये कार्यक्रम 20 से 25 दिन चलेगा। इसके 28 दिन बाद अगला चरण शुरू होगा। इस मौके पर प्रधान मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पीयूष शर्मा, प्रतिरक्षण अधिकारी नीलम शर्मा व अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और उसमें जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, जिनमें हमारे पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी कोरोना योद्धा हैं जो कोविड से रिलेटेड लड़ाई में एक्टिव हैं, उन सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। और उसमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए और एक थोड़ा सा डर जो बना है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आज मैंने और हमारे साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिसमें SP साहब हैं, हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, हमारे SDM हैं करनाल के, हम सब ने वैक्सीनेशन कराया है। और लोगों से मैं, जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सी प्रोसीजर है और किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट या इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी 30 मिनट हम सबको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उनको अटेंड करने के लिए हमारे पास जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं उन सब से भी ये कहूँगा कि चूंकि वैक्सीनेशन का दौर हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी जितने भी कोविड की प्रिकॉशंस हैं उनको अभी भी फॉलो करते रहें, क्योंकि जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते, और वो भी जब उनकी सेकेंड टाइम का वैक्सीनेशन जो आज से 28 दिन के बाद होगा वो नहीं होता, उसके बाद जब एंटीबॉडी जब तक नहीं बनती तब तक उसका खतरा जो है वो टला नहीं है। इसलिए मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, ये सारी जो प्रिकॉशंस हैं ये आगे भी करते रहें जब तक कि सारे लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। सर, एक CSC आया था कोविड वैक्सीनेशन के लिए और उसके आज हम यहाँ पे आए थे और कोविड वैक्सीनेशन करवाया है। सभी लोगों से ये भी आग्रह है कि जिनका भी जैसे ही मैसेज आए कोविड वैक्सीनेशन के लिए टीका जरूर लगवाएं, किसी प्रकार की कोई अफवाह पे ध्यान ना दें। और सरकार अब जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके बाद में जितने भी कोविड के रिगार्डिंग जो काम कर रहे थे, जो वर्कर्स हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, उनका भी कोविड वैक्सीनेशन होना है, तो उनके लिए यही संदेश है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए जरूर आगे आएं और किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.